हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फलाहारी आलू लच्छा नमकीन बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बड़ी आसानी से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो आइए क्रिस्पी और स्वादिष्ट आलू लच्छा नमकीन बनाना शुरू करते हैं। आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ की आलू लेकर छिलका उतार के पानी में डुबो के रखा है। अब हमें आलू के लच्छा तैयार कर लेना है। आलू का लच्छा हमें मोटा मोटा चाहिए, इसीलिए हम बड़ा वाला कद्दूकस का इस्तेमाल करेंगे। आलू काला ना पड़े इसीलिए हम इस बर्तन पर भी थोड़ा पानी ले लेना है। अब एक आलू लेकर इसका लच्छा बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमारा लच्छा बनना शुरू हो चुका है। ऐसे ही हम तीनों आलू का लच्छा तैयार कर लेंगे। हमने सारे आलू का लच्छा बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए कितना बढ़िया लच्छा बना है। अब हम इस लच्छा को 3 से 4 बार धोएंगे ताकि इसमें से सारे स्टार्च निकल जाए। यदि आलू में स्टार्च रह जाएंगे तो तलने के बाद भी आलू लच्छा कुरकुरा नहीं बनेंगे। लच्छे को मैंने 4 बार धोया है। अब हमें इसमें लगे हुए पानी को निकालने के लिए लच्छे को टॉवल के ऊपर फैला देना है। और हाथ से ऊपर धीरे धीरे प्रेस करना है। लच्छे में से सारा पानी सूख चुका है। आप लोग चाहे तो इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो। अब हम लच्छे को तोलेंगे। तोलने के लिए हम तेल गरम कर लिया है। एक आलू का टुकड़ा डालकर सेक कर लेती हूँ, सेक रहा है। अब हम आलू लच्छा तलने के लिए कढ़ाई पर डालते हैं। आलू को तलते समय आप लोग गैस को लो करके ही तोलें। लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सला देती हूँ और हम इसे क्रिस्पी होने तक तलेंगे। आलू लच्छे अच्छे क्रिस्पी होकर तैयार हो गया है। अब हम इसे निकल लेते हैं। इसी तरीके से सारे आलू लच्छा तलकर तैयार कर लेना है। हमने सारे आलू तलकर तैयार कर लिया है। अब हम उसी तेल में मूंगफली के दाने को तलेंगे। 3 आलू के लच्छे में मैंने 1/2 कप मूंगफली के दाने लिया है। मूंगफली के दाने को मैंने एक छन्नी पे रखकर तोल रही हूँ ताकि इसे आसानी से उठा सकूँ। धीरे धीरे छन्नी को हिलाते रहे। मूंगफली के दाने तलकर तैयार हो चुका है। अब इसे तेल से निकाल लेती हूँ। मूंगफली के दाने को तलने में हमें लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब हम 20-25 करी पत्ता को भी तोल लेते हैं। करी पत्ता को तलने में हमें 10 से 15 सेकेंड ही लगेंगे। ये तलकर तैयार हो चुका है। इसे भी तेल से निकाल लेती हूँ। अब सारे चीज़ों को मिलाने की बारी है।
एक बाउल लेकर उसमें तले हुए आलू के लच्छे को डाल देंगे। अब इसमें तले हुए मूंगफली के दाने को भी डाल देते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तले हुए करी पत्ता, आधा चम्मच सादा नमक और आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नमकीन बनकर तैयार हो गया है। आप लोग घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरी ये आलू लच्छा नमकीन की रेसिपी? अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। हाँ, ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बाय बाय।